ठंडी। इस ठंडी में तो सब कुछ ठंडा हो गया है, चाहे वो बर्तन हो या कोई भी प्रकार की वस्तु। जिस चीज को छुओ ऐसे लगता है जैसे कि बर्फ बन गई हो। लगता है इस बार की सर्दियाँ जान लेकर ही रहेंगी। क्या आप भी ठंड के कारण कुछ ऐसे ही परेशान हैं? तो ये रहे आयुर्वेद के वो सात साथी जो आपको इस ठंडी में भी गर्मी का एहसास देंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सात ऐसी विशेष चीजें जिन्हें ठंडियों में जरूर उपयोग करना चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी और स्वास्थ्य दोनों बना रहे। वेलकम टू ओज आयुर्वेद, जहां मिलेगी आपको आयुर्वेद की एकदम सही सही जानकारियां। तो चलिए जानते हैं ऐसी सात चीजें जो इस ठंड में भी आपको रखेंगी एकदम गर्मा गर्म। नंबर एक, सौंठ और हल्दी वाला दूध। ठंड के मौसम में कुछ मजेदार और स्वादिष्ट पीने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आपका भी अगर यही मानना है तो सौंठ और हल्दी वाला दूध उसके लिए एकदम सही ऑप्शन है। गर्मा गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और सौंठ डालकर अगर आप पिए तो यह ठंड में गर्म रहने का एक उत्तम उपाय है। दूध का पोषण, हल्दी की शक्ति और सौंठ की गर्माहट आपके शरीर को ठंडी में गर्म रखेगी। तो चाहे दिन की शुरुआत करनी हो या रात में ठंड का अंत करना हो, सौंठ और हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। यह जोड़ों के दर्द के लिए भी एक बहुत अच्छा पेन किलर है। तो ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द से या ठंड से परेशान हैं, उनके लिए हल्दी और सौंठ वाला दूध बहुत कारगर उपाय है। नंबर दो, सूरज की धूप। ठंड से जब शरीर कांप रहा हो और हवा आपकी हड्डियों को हिला रही हो, उस समय अगर सूरज की धूप की गर्माहट का सुख मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सूरज की धूप गर्मी के साथ साथ शरीर में विटामिन डी का मुख्य सोर्स है। सर्दी के मौसम में ठंड के कारण जोड़ों का दर्द, कफ, ये सभी समस्याएं तो होती ही हैं, पर सूरज की धूप न मिलने के कारण शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है, जिससे कि मानसिक डिप्रेशन या अवसाद की समस्या शुरू हो जाती है। तो ठंड के मौसम में जब भी सूरज की धूप मिले उसका सेवन जरूर कीजिए। सूरज की धूप की गर्माहट आपकी हड्डियों को ठंड से बचाएगी और इसके अंदर का विटामिन डी आपके दिमाग और हड्डी दोनों के जोड़ को सुरक्षित रखेगा। तो सूरज की धूप के सेवन से ना रहेगा दर्द और ना रहेगा डिप्रेशन। नंबर तीन, तिल। इस ठंड के मौसम के लिए अगर कोई एक परफेक्ट दवा का नाम लिया जाए तो उसका नाम है तिल। सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन शरीर को चिकना, गर्म और बलवान बनाकर रखता है। यह शरीर को वात रोगों से बचाता है और ठंड से लड़ने के लिए जितनी भी ताकत और पोषण शरीर को चाहिए वह सब तिल प्रदान करता है। तभी तो इस मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू खाने की परंपरा भी हमारे देश में है। तिल और गुड़ का लड्डू शरीर के लिए एक परफेक्ट टॉनिक है और हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी है कि गर्मी में गर्मी लगे तो बार बार नहा और ठंडी में ठंड लगे तो तिल गुड़ खा। इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन गर्म रहने के लिए जरूर कीजिए और इसी तिल के तेल से अगर रोज स्नान से पहले आप मालिश करें तो यह आपको 100 से ज्यादा बीमारियों से बचाकर रखेगा। आयुर्वेद में रोज दिनचर्या में स्नान से पहले तेल मालिश के लिए कहा गया है, पर ठंड के मौसम में तो विशेष रूप से अभ्यंग या तेल मालिश के बारे में आयुर्वेद निर्देश करता है। तेल मालिश आपके शरीर को वात के रोगों से बचाती है, यह शरीर को ताकत देती है, बुढ़ापे से बचाती है और ठंड के कारण होने वाली ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, इन सभी समस्याओं से भी आपको सुरक्षित रखती है। तो तिल के लड्डू खाकर शरीर में गर्मी बढ़ाओ और तिल तेल के मालिश से ठंडी भगाओ। नंबर चार, उड़द। आयुर्वेद के सबसे ताकतवर टॉनिक में से एक उड़द ठंड के मौसम में जरूर खाना चाहिए। इसका स्वभाव गर्म है और यह तेजी से शरीर में गर्माहट लेकर आती है। यह शरीर में बल भी बढ़ाती है। ठंड के मौसम में जब पाचन अग्नि बहुत तेज हो जाती है जिसके कारण हमें बार बार भूख लगती है, ऐसे समय पर उड़द की दाल या उड़द के लड्डू खाने का एकदम सही समय है। उड़द पचने में भारी है इसलिए बार बार भूख लगने की समस्या से बचाती है। यह लंबे समय तक शरीर में गर्माहट और ऊर्जा दोनों बनाए रखती है। ठंडियों का मौसम उत्तम संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है और इस मौसम में उड़द खाना उत्तम संतान के लिए बहुत जरूरी भी है। तो ठंड में गर्म रहने के लिए उड़द एक पौष्टिक
और गर्मा गर्म ऑप्शन है। नंबर 5 व्यायाम। ठंडी में केवल आप खाएंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पेट की चर्बी और मोटापा दोनों बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारा देश मोटापे में तीसरे नंबर पर है, तो इसलिए आयुर्वेद की सलाह है कि इस मौसम में व्यायाम या एक्सरसाइज जरूर करें, वो भी हल्का फुल्का नहीं, हैवी व्यायाम, जैसे कि सूर्य नमस्कार, रनिंग, कुश्ती, दंड बैठक। व्यायाम से शरीर में गर्मी आती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन तंत्र सुधरता है और नींद भी कमाल की आती है। ठंड के मौसम में रोज तेल मालिश के बाद व्यायाम करना आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखेगा। तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिटनेस जरूरी है, तो रोज मालिश के बाद फिट रहने के लिए व्यायाम जरूर करें। तो हो जाए कबड्डी 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 कबड्डी। नंबर 6, दही। बिना दही सब भोजन सुना। हमारे देश का दही प्रेम तो जग जाहिर है, जैसे दही वड़ा, दही रायता, दही राइस, ऐसे न जाने कितने प्रकार के दही के व्यंजन उपलब्ध है। इस मौसम में आपका पसंदीदा दही आप जरूर खाइए। यह स्वभाव में गर्म, पौष्टिक और पचने में भारी है। सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण होने वाली बीमारियां, जैसे कि नाक से पतला पानी बहना या जोड़ों का दर्द या शरीर में रूखापन, इन सब से दही शरीर को बचा कर रखता है। दही बहुत तेजी से शरीर में चर्बी और ऊर्जा बढ़ाता है, तो इस मौसम में दही एक विशेष टॉनिक है। दही खाइए, पर उसके दोस्तों के साथ। उसके दोस्तों को अगर आप नहीं जानते तो दही के 5 बेस्ट फ्रेंड, हमारा यह पिछला वीडियो जरूर देखिए। नंबर 7, आयुर्वेद के टॉनिक। ठंडी का मौसम हो और आयुर्वेद के टॉनिक की बात ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, खास करके च्यवनप्राश। ठंडियों के मौसम में आयुर्वेद का सबसे फेमस और ताकतवर टॉनिक च्यवनप्राश, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यह स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है। बुढ़ापा भगाना हो, धातुओं की पुष्टि करनी हो, शरीर को जवान बनाना हो या दिमाग को तेज तर्रार रखना हो, च्यवनप्राश इन सब की दवा है। तो इस मौसम में च्यवनप्राश या आयुर्वेद में कहे अन्य पाक, जैसे कि अश्वगंधा पाक, एरंड पाक, मुसली पाक, ऐसे बहुत सारे टॉनिक अपनी प्रकृति के अनुसार आप जरूर खाइए। एक सूचना, च्यवनप्राश वजन बढ़ाता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी या कफ से परेशान लोग च्यवनप्राश के बदले किसी अन्य पाक का सेवन करें। तो आयुर्वेद में कही गई इन 7 चीजों का प्रयोग आप ठंडी में गर्म रहने के लिए जरूर करें, जिससे कि स्वाद और सेहत दोनों बनी रहेंगी। और हमारे इस चैनल ओज आयुर्वेद को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसी ही गर्मा गर्म ताजी ताजी जानकारियां हमेशा मिलती रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।